की मालिश हुआ कर रही है मालिश, डुग्गू को पूरा नहीं दिखा रहे क्योंकि डुग्गू की हो रही है मालिश। और खाने की भी तैयारी चल रही है साथ ही साथ में। कल मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी पता है, रात को भी मेरी हालत और बिगड़ती चली जा रही थी। अच्छा। देखो चेहरा कैसा अजीब सा लग रहा है, सोच अभी भी आंखें उतनी जल रही हैं। कल मेरे पेट में दो गोली दो दवा खा ली थी ना, इतना भयंकर दर्द, इतना भयंकर हालत खराब रहा था। फिर खाना नहीं खाया हमने, थोड़ा सा दलिया डाला था। दुखो तुम मालिश तला रहे हो, तुम मालिश बुआ जी कर रही है डुक्कू की मालिश। मम्मी फोन चलाने में बिजी हैं। एक्चुअली मम्मी यहाँ पर भजन देख रही हैं, भजन सुन का टाइम हो रहा है। तो मम्मी अभी पूजा करके उठी हैं और आज लंच में बन रहा है तरोई की सब्जी, दाल कच्ची आम वाली दाल, और करेले बन रहे हैं करेले। आराम पे आराम चल रहा है मायके में। इस बार मैंने कुछ नहीं बनाया किचन में। गोविंद के लिए खाली बनाया था, नेहा आ गई तो वो भी नहीं, छुट्टी। इस बार मायके में फुल आराम हो रहा है, और जब आराम हो रहा है तो तबीयत खराब है। सही है, करते रहो तो तबीयत खराब नहीं होती। देखो लात मारी इसने कैसी, ऐसी करके दे दे, करा नहीं रहा है मालिश। अभी भी तबीयत पूरी तरह से सही नहीं हुई है। आकर्षित वो कहाँ गया है अंकित? अच्छा तो फिर मेहंदी बुआ मेहंदी मिल जाएगी हरी वाली रोड पे कहीं? जनरल स्टोर वो जिसकी भी दुकान होगी वैसी कॉस्मेटिक का सामान जो भी मिलता वहां मिल जाएगी। पुड़िया वाली, हाँ पुड़िया वाली ही ला दो। पत्ती वाली यहाँ कहीं मिलेगी? के तो करेले बना रही हूँ ऊपर वाली किचन में, क्योंकि प्याज की जो भी चीज़ें होती हैं ऊपर वाली किचन में ही बनानी होती हैं। तो ये ना काट के जो करेले बनाते हैं ना वो वाले करेले बना रही हूँ, और सारी तैयारी लगा दी है। सौंफ को भी मैंने भून के रख लिया है, क्योंकि स्टफ़ वाली कोई भी चीज़ हो या फिर बैगन हो या फिर करेले हो, सौंफ उसमें बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर सारी तैयारी कर ली है और करेले बना रही हूँ मैं। तो करेले ना ये वाले करेले भी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि इन दिनों मायके में हूँ और मायके में प्रॉपर कोई भी काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। वीडियो भी यहाँ तक कि मैं जैसा सूट हो पा रहा है वैसा सूट कर रही हूँ। कल छोटू देखो कौन रहा गोसे माँ बली माँ गोसे कौन रहा था? ये शैतान सिंह गोसे कौन रहा था? बुआ की क्यों बुआ की गोसे कौन रहे थे? हैं ओए ओए बुआ क्या कर रही हो? आलू फोड़ रहे हैं। बुआ गुस्से में सारा फ्रस्ट्रेशन आलू को निकाले दे रही है। देख फोड़ा देख फोड़ा दमालू बना रही हो? ओ मम्मी देखो ये कितना पानी बर्बाद कर रही है, अभी रुको तुम मम्मी से शिकायत करो। आई रे मम्मी पे गई और ज्यादा नहीं गई है पूरी हमार भाभी तो गई दवाई नहीं दी थोड़ी अच्छी गई जरूर होगा। एक ना एक बार कहूँ तो ऐसे छोड़ देती है पिचकारी चिंगारी वाली। रोटी नहीं बनाएंगे हम? हाँ नहीं बनाएंगे हम दोनों, चल रही छुट्टी छुट्टी छुट्टी। एक दूसरे से खिंचाई करते हुए हंसते हुए निकल जाता है, मस्ती मजाक करते हुए, पता ही नहीं चलता है सुबह से रात कब हो जाती है। जहाँ पर भी बैठ जाओ जिसके भी कमरे में बैठ जाओ वहीं सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और हंसी मजाक छिड़ जाती है। पगला टन्ना 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 टन्ना।
बोराए गई मम्मी अब क्या करे। ओ बरे बुआ झूठी तो ना बोलो। ओ बुआ झूठी ना बोलो, पानी पिलाओ तो चटनी भी खिलाई थी, समोसा भी खिलाई थी। बुआ मेरी गुस्से में सारा कूटो डाल रही है, बुआ सारा गुस्सा निकाली दे रही बेचारी, आलू और अदरक पे देगा ओ मम्मी देखो ये बुआ कैसी मस्ती कर रही है। तो बुआ उन्हें और मैं को हाँ बुआ का मस्ती चढ़ी है। बनने की तैयारी हो रही है किचन में, इवनिंग डिनर बम बोले। जानू नेहा क्या कर रही? आजाद भैया राधे राधे। इतनी देर में हमें घुमा के ले आते। भैया मोबाइल है आपके पास, कृपया मोबाइल को चालू कीजिए और इनके घर वाले को कॉल लगाइए। तस्सू राधे राधे, मम्मी लादे लादे। देखो मम्मी कितना बड़ा मुंह खोल रही है। टन्ना 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 टन्ना, खड़ी हो जाओ खड़ी हो जाओ तस्सू, खड़ी हो जाओ तस्सू, खड़ी हो जाओ। वो तो चुटे रहते हैं, चुचु 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 मचा रहते हैं। मामा सबको ऐसी गन चलवा रहे, बगल में एक बोतल लगती थी उधर अनीता मामी के घर पे तो फोड़ दी। नहीं एम लगा है प्लास्टिक की बोतल, पहले हमने शॉट मारा वो चला गया, फिर मामा और सबने ट्राई किया नहीं फूटी, हमने आखिरी शॉट मारा तुम्हारे शॉट से। साथ ही साथ में और सभी लोग हैं घर में, तो इसी वजह से सब लोगों की चाय बनाई जा रही है और इतना ज़्यादा मस्ती मजाक हंसी हो रही है। और एक ये नया वर्ड यहाँ सब लोग सीखे हैं, टना टना बाबू चाय। कूलर का एकदम सूख ले गया है। सबके साइज के कप है, भगवान के साइज से भगवान के कप है, देख लो नंद को सबसे छोटो कप है। मुझे भगवान इतनी चाला आके देखो, आप बड़े बड़े कप में पीती है जे वाले में, हमको छोटे कप में देते तो लियो ना, लियो बड़ा लियो ना भैया, हम लोग तुम्हारी तरह चाय नहीं पीते, चाय में डूब जाओ। तो फिर बुराई ना करो है कि नहीं है, बुराई कर रहे खुपड़िया फोड़ देंगे आप। मुझे भगवान बड़े बड़े चाय कप लेती, बहुत बुरा ज्यादा रख ले। तुमने बताओ नहीं हमें क्या क्या लो है इसमें? मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, मट्टी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। नमक स्वाद अनुसार काम खत्म। कहाँ पकड़े? पजामे उतार दे। अच्छा बहू है, कहाँ जा रही है छिपकली? देखो देखो कहाँ जा रही है छिपकली, चल गया मस्ती मजाक करते हुए। और शाम के डिनर में आज बन रहे हैं दम आलू, तो नीचे वाली किचन में बिना प्याज लहसुन के खाना बनता है क्योंकि मम्मी मेरी प्याज लहसुन दोनों ही नहीं खाती हैं, तो यहाँ पर बिना प्याज लहसुन के ही दम आलू बन रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ एक कोफ्ते और दम आलू मुझे बिना प्याज लहसुन के ही पसंद है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। ये दीक्षा के दम आलू हैं, इसको खा के दम आ जाती है, बुढ़िया बूढ़ी हड्डियों में भी दम आ जाती है, अखाड़ा की कुश्ती मैदान जीत आती है दीक्षा के दम आलू खाकर। पहली बार जब हमें लग रहा है एक ही तो मैंने वो ही शादी में जब वो आए तो हमने दम आलू नहीं, कह रहे आल लग रहा है स्वाद के, हाँ दम आलू बने, बस मटर डाली थी पर इसमें थोड़ी। हाँ मटर हम भी डाल देते जब कभी, पर आप हमने इस बार मटर डाल के नहीं बनाई, एक बार अभी है भी नहीं मटर, मैं खराब हुई थी ना। तुमने कहा देखो आराम से बैठी है, साड़ी मेरी फैल के सामने से भतीजी आई, हमने बैठी थी यहाँ किचन के बाहर। देखो नेहा ये नेहा देखो चकत्ते पड़ने लगे, कह रहे कोल्ड क्रीम लगाओ, हमें रंग से एलर्जी है। देखिए चकत्ते, अरे देखो ना चकत्ते पड़ने लगे, बच्चों वाली कोल्ड क्रीम लगाओ। का हाल कर दिया, चकत्ते पड़ने लगे हैं, इतना बुरा रंग लगाया है नेहा ने भी, ढेर सारी बोरोप्लस लगाई है, थोड़ी देर बाद ये अपने आप रिमूव हो जाएगा।
गुच्छा हो गया। छुटकी दूध पियेंगी, ये देखो ये हाल हो गया। इधर है, इधर इतना ज्यादा जलने लगा, एकदम से छछड़ा रहा है कसके। हम आए थे इसको लेने, हमने देखा आपके साथ ऐसा, और इतना ज्यादा रंग था हाथों में कि हाथ एकदम गोल्डन हो गए थे कलर से, समझिए इतना डार्क कलर था। बोतल इधर का तो हल्का हो रहा है, इसका भी हो जाएगा, होने लगा लगा है। बस देख लगे मेरे पता चकत्ते पड़ जाएंगे, मेरे रंग से तुरंत चकत्ते पड़ जाते हैं। आज तक कभी होली नहीं खेली है, लेकिन आज चक्के बदल गई है। डुगू भाई मम पी लो, ये बुआ के लगा, आ लगा लगा बुआ के लगा, ले अपने लगा लिया बुआ के लगा ले। ओ साला चिल्लाऊंगा ये तशु, बुआ कैसी लग रही आज? देखिए अचानक से ना बैठी हुई थी तो सामने मेरी जो फ्रेंड है ना ममता, उसकी भतीजी ने आके इस तरह से रंग लगा दिया और एकदम से ना मेरे इन्फेक्शन होने लगा तुरंत। मुझे ना बहुत एलर्जी है और मैं कभी भी कलर नहीं खेलती हूँ, कभी भी अबीर गुलाल भी यूज़ नहीं करती हूँ होली पे, मुझे रंगों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरी नेहा बोली दी थी आप ना ये वाला, इसका ऐसा तंबे निकाल के लगा देना कि देखो मुझे किसने मारा इतनी कस के और आपका ना बढ़िया वीडियो जाएगा। इतनी हंसी आ रही थी पूरे दिन, भाभी लोगों के साथ में ऐसी मस्ती कॉमेडी होती है, मुझे भी लगा कि हाँ यही कुछ करती हूँ कि देखिए मेरे किसने मारा इतनी कस के, मेरे पूरे काल लाल पड़ गया। और देखिए कितनी फुली फुली रोटियाँ सेक रही है दीछे, सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है, बस खाने की देरी है और मम्मी की पूजा भी हो रही है।